बात किया, वहाँ से क्यों चले आए? सुब्रा मरियम, मुझे अर्जेंट काम है, मैं बाद में तुम्हें फोन करता हूँ। हे भगवान, आखिर ऐसा क्या हो गया? ये बिना बताए कहाँ जा रहे हैं भाई? हे भगवान, हाथ में आकर मुंह से निकल गया। छे, क्या होगा अब आगे? शिव नारायण और उस गेस्ट हाउस में क्या संबंध है, वो कैसे पता लगाऊं? पहले तुम मेरा काम पूरा करो, अपने लड़के को किसी बड़े घर की लड़की के पीछे लगा दो, लड़की के पटने के बाद उसकी फैमिली से बात करके उन दोनों की शादी करवा दो, फिर हनीमून के लिए उन्हें इसी बंगले पर भेज देना, वहाँ जाके उसे मार दो और वहीं पर गाड़ देना, और कोई पूछे तो कह देना कि वो लड़की किसी दूसरे के साथ भाग गई। कैसा लगा मेरा प्लान? बाप रे, सुपर प्लान, डील तो बहुत ही आसान हो गई। क्या बात है शिवनारायण, मैं एक क्रिमिनल हूं तो तुम मुझसे बड़ा क्रिमिनल है क्या? वो कौन है, कहाँ रहता है? उस लड़की के माँ बाप से पता लगाऊंगा तो उस मुझे सब पता चल जाएगा। कौन चाहिए साहब? ऊपर के पोर्शन में जो भाड़े में थे वो लोग खाली करके चले गए। ऐसा क्या? हाँ साहब, 4 घंटे पहले यहाँ थे वो लोग, इतनी जल्दी घर खाली करके चले गए क्या? इस घर का सारा सामान हमारा ही है साहब, 10 दिन रहने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट किया था, 10,000 एडवांस भी दिया था, लेकिन वो लोग कहाँ चले गए कुछ पता नहीं साहब। आपने भी पैसे दिए हैं क्या? नहीं। हाँ, यहाँ अनुष्का नाम की लड़की थी ना। अनुष्का साहब, लगता है आपसे किसी ने झूठ बोला है, उसका नाम अमृता है। साहब एक और बात, जब से वो यहाँ पर आई थी उन दोनों को अंकल और आंटी ही कह के बुलाती थी, यहाँ का काम जल्दी खत्म करके जाना है ऐसा बोल रही थी हमसे। क्या हो रहा है यहाँ? राजमाणिक, उस टकले ने तुझे फंसा दिया लगता है, इसीलिए तो उसने 25 लाख एडवांस में दिए थे। अरे वो सूटकेस मिला कि नहीं? हाँ हाँ मिल गया। उसके अंदर पैसा है कि नहीं देख? हाँ हाँ देखती हूँ। अजी ये क्या है? ये तो नकली पेपर के नोट्स हैं। ये क्या? सब नकली नोट हैं जी। नकली नोट हैं? हाँ, आपको फंसाया लगता है। उसकी तो, ए फोन रख तू। छे, अभी मेरा बेटा किस हाल में होगा क्या पता। दरवाजा खोलो।
तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? सर, आपने ही तो फोन करके बुलाया, कहा कि एक डील करनी है। ये क्या बात कर रहे हो साहब? इसका मतलब वहाँ मेरी दुकान पर आप नहीं आए थे क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है साहब। ये तो आपसे आपका दरवाजा ठोक रहे थे, खोल क्यों नहीं रहे थे? तुम क्या बात कर रहे हो यार? ये देखिए, आपने ही फोन किया था। मैंने किसी को फोन नहीं किया, मैंने किसी को फोन नहीं किया था यार। क्या बात कर रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसको? साहब, हम सब आपका साथ देंगे, हम तो फंस गए साहब, अब हमारा क्या? क्या हाल बना दिया साहब आपने? अगर जान बच गई तो अच्छा काम करके जी लेंगे, लेकिन वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। आपने क्या कर दिया साहब? अरे मेरी बात मानो, अगर हम लोग यहाँ पर रुके ना तो ये हमें भी मरवा देगा। डोंट टच, मेरी परमिशन के बिना कोई इसे टच नहीं करेगा। मैं तो तुम्हारा पति हूँ, मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? कुछ भी हो, मैं इसे किसी को छूने नहीं दूंगी। वैसे क्या है इसमें? इसमें कुछ छुपे हुए राज हैं। राज क्या? ठीक है। यहाँ पे मिल गए, चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो, इनको भी ले लो। देखिए चाचा जी, हम लोग आपको खाने पहनने के लिए सब कुछ देंगे, बस आप हमारे साथ चलिए। हाँ, चलिए आप भी चलिए। आपको रहने के लिए जगह, सोने के लिए बेड, सब कुछ मिलेगा चाचा जी, आप चलिए। चलिए चलिए, आराम, चलो आइए आइए, चलो 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 चलिए, आप बैठिए, एकदम फर्स्ट क्लास जगह। आइए निकल, आइए चलो। सब लोग चुप रहोगे, अगर किसी ने मुंह खोला ना तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, पुलिस कंप्लेंट करेंगे। पागल, आज मरने वाला है, पुलिस कंप्लेंट करने चला है, ज्यादा बोला तो अभी मार डालूंगा। ए सब लाइन में खड़े हो जाओ। ए क्या देख रहा है, चल जल्दी कर, जल्दी से ब्लड निकाल इनका। चलो 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 आगे बढ़ो। छोड़ दो मुझे, मैंने क्या किया है, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इतना क्यों तकलीफ दे रहे हो? छोड़ दो, छोड़ दो भाई, छोड़ दो। क्यों तुम हमारे साथ ये सब कर रहे हो? छोड़ दो, छोड़ दो। इसका ब्लड तो पॉजिटिव है, आधे घंटे के अंदर ये बुड्ढा मर जाएगा, उसके बाद इसकी बॉडी को डिस्पोज करके उसके बाद इसके कंकाल को एसिड से धोना है, समझ गया ना? ठीक है भाई, जाओ।
कालिकायै विद्महे ॐ शमशानवासिनी तन्नो चण्डी गौर प्रचोदयात्। आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? माँ ने तो कहीं और कहा था, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे कहीं नहीं, पास ही के गांव में एक मेला चल रहा है ना, जहाँ स्वामी जी आने वाले हैं, हम बस वहीं जा रहे हैं। उनका अगर आशीर्वाद हमने लिया तो हमारी शादी बहुत ही जल्द होगी। तुम्हारे और मेरे माता पिता ने कहा है कि हमारी शादी का दिन नजदीक आ रहा है ना, तो हम वहाँ जाकर पूजा कर लेते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है स्वामी जी, कैसे भी करके ये काम पूरा होना चाहिए। आप पर बहुत भरोसा किया, कृपया मेरी मदद कर दीजिए। तुम बेफिक्र रहो, कल पूर्णिमा है, ये 60 सालों में एक बार आने वाली शक्तिशाली पूर्णिमा है। मेरे कहे अनुसार उस लड़की की बलि दी तो तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। तुम्हारा सामना 100 वर्षों तक कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर बलि देने में कुछ गड़बड़ हुई तो तुम जिंदा नहीं बचोगे और मैं भी नहीं बचूंगा। स्वामी जी आप चिंता मत कीजिए, उसे मैं अच्छे से जानता हूँ, वो मेरे पहचान की है। आप पूजा की तैयारी कीजिए, उसे लेकर आने की जिम्मेदारी मेरी है। ॐ क्रीं भद्राय नमः, ॐ क्रीं स्वाहा, ॐ मंगला भद्रकाली नमः, ॐ भद्रकाली कपालिनी यामि, ॐ क्रीं भद्राय नमः स्वाहा। और कितना दूर है? अरे बस पहुंच ही गए, थोड़ा सा ही दूर है, सब्र रखो। प्रिया, प्रिया, अरे रे, ये खून, हे भगवान। क्या हुआ प्रिया? वहाँ ऊपर। ए कूदना नहीं। प्रिया तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। सुनो। अरे अरे ये कहाँ गई? ये कहाँ चली गई? प्रिया इस पूजा में कोई व्यक्ति डाल रहा है। अनुष्का देवी रानी।
Anushka! कोई बुरा चाहेगा तो उन्हें मैं नहीं छोड़ूंगी, खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी। अच्छा वो बेटा, तुझे कुछ तो क्या हो गया बेचारी को? बेटे की वजह से सोचने बच गई। ऐसे दुष्ट लोगों को मारे बिना वो छोड़ती नहीं। क्या हेलो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, मैं यहाँ पर सूटकेस लेकर बैठा हूँ। जितना जल्दी हो सके तुम यहां पर आ जाओ। बैठ जाइए। इस फील्ड में आपका बहुत बड़ा नाम है, ऐसा मैंने कई लोगों से सुना है, लेकिन यहां तो आप स्वामी बनकर आए हैं। ये डील सक्सेस होगी ना? डील में शक और ज्यादा सवाल नहीं होना चाहिए। ये लो, तुमने जैसा कहा, एडवांस नहीं दे रहा हूं, पूरा कैश दे रहा हूं। चाहो तो गिन लो। वाह, सुपर प्लान है। इस डील में तो और भी आसान हो गया। ऑल द बेस्ट। डील पूरी होने तक मैं किसी से हाथ नहीं मिलाता। अभी मैं चलता हूं। ठीक है, जाओ। ये तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। मोस्टली ये डील हो जाएगी ऐसा ही लगता है।
आज तुम्हारे सामने दिल खोल कर बातें करना चाहती हूँ, अब कर सकती हूँ ना? अब चिड़िया चाहती है कि उसके पंख हो, मधुमक्खी चाहती है कि उसे अच्छे फूल मिले, इसी तरह हर लड़की चाहती है कि उसे अच्छा सा लड़का मिले। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, चुपचाप क्यों बैठे हैं? 24 घंटे बातों पर सवाल उठाती रहोगी तो पति का हाल कैसा होता है पता है? कैसा होता है बताओ। मीठा गर्मा गर्म मैसूर पाक खाने दिया जाए तो ना खा सकता है और ना ही फेंक सकता है। इसलिए अच्छा यही होगा कि टाइम आने तक यूं ही इस तरह खामोश रहना चाहिए। जब सही समय आ जाए तो सारी चीजें हो जाती हैं। वो क्या है ना, रात को मर्दों को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए ऐसा कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्यों, मुंह दुख जाता है क्या? नहीं, बात तो मुंह दुखने की नहीं है। चलो छोड़ो, सेंसर में प्रॉब्लम होगा। अच्छा, हम जिस गेस्ट हाउस में जा रहे हैं आपने उसे देखा है? गेस्ट हाउस कौन सा भी हो, अपने को क्या फर्क पड़ता है? अपने लिए बस एक अच्छा सा स्पेशल रूम हो। और वो सिर्फ रूम ही नहीं, नशे से भरा हुआ और फूलों से सजा हुआ कमरा होगा। और उस कमरे में मैं हूँ राजा और तुम होगी रानी। तुम बनारसी साड़ी और मैं महाराष्ट्रीयन पगड़ी। मैं अपनी नई बीवी के लिए मोगरा के फूल लाऊंगा और तब तुम्हारी एंट्री होगी। मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कुछ तो टकराया था, मेरा कंट्रोल छूट गया। लेकिन तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आते ही रहते हैं, अगर कंट्रोल नहीं रहा तो हमारी फर्स्ट नाइट लास्ट नाइट बन जाएगी। बगल में बीवी बैठी हो तो मूड नहीं आएगा तो और क्या आएगा? ओह शिट, शिट! क्या हुआ आपको, बार बार ऐसे कर रहे हैं, बार बार ब्रेक क्यों लगा रहे हैं आप? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? कौन है ये लोग? मुझे नहीं पता, अचानक से सामने आ गए। देखिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये हनीमून वनीमून छोड़ देते हैं, घर चलते हैं, चलिए ना। अरे हमें जिस गेस्ट हाउस में जाना है वो सिर्फ 20 किलोमीटर ही दूर है, इतने से के लिए वापस नहीं जाएंगे। नो वेज, तुम टेंशन मत लो, यहीं पर रुको, मैं देख के आता हूँ। नहीं नहीं प्लीज, आप कार से मत उतरिए प्लीज। गेस्ट हाउस जाने का यही एक रास्ता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। आप ऐसे अकेले में जाइए, मैं आपके साथ चलती हूँ। ओके कम।
मुझे बहुत डर लग रहा है, चलिए ना चलते हैं यहाँ से। चलो पहले तो इनको साइड में करते हैं, कम ऑन। चलो आप लोग कहां से आ रहे हो, इतनी रात को कहां जा रहे हो? सर हमारी नई नई शादी हुई है, हनीमून के लिए रानी बिलास गेस्ट हाउस जा रहे हैं। आते समय रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, इसलिए शहर वापस जाने के बारे में हम सोच रहे हैं। सर कौन सा गेस्ट हाउस बताया? रानी बिलास गेस्ट हाउस। रानी बिलास गेस्ट हाउस, क्यों क्या हुआ सर, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, ये एक रिजर्व फॉरेस्ट है, रात में किसी की एंट्री नहीं है यहाँ, क्योंकि शेर चीते घूमते रहते हैं,
तुम्हें रानी विलास गेस्ट हाउस जाना है ना, तो तुम जिस रास्ते से आए हो उससे 4 किलोमीटर पीछे जाओ, फिर वहां से राइट ले लेना, फिर वहां से 10 किलोमीटर आगे जाओगे तो रानी विलास गेस्ट हाउस पहुंच जाओगे। थैंक यू सर। ठीक है, चलता हूँ। एक और खास बात, नई नई शादी हुई है ना तुम्हारी, रास्ते में कोई भी तुमसे लिफ्ट मांगे तो उसे लिफ्ट मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए गाड़ी मत रोकना, और रास्ते में तुम्हें परेशानियां भी आ सकती हैं। गेस्ट हाउस के आने तक कार की स्पीड धीमी मत करना, समझ गए ना तुम? चलो जाओ यहाँ से। थैंक यू। सुनिए, मुझे बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ मिलेगा पूछ लें क्या? ठीक है, मैं यहाँ गाड़ी रोकता हूँ। कौन आ रहा है? ठीक से दिख नहीं रहा। दादाजी। क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? दादाजी हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? और हम लोग बहुत थके हुए हैं। इस घने जंगल में इस छोटी दुकान पर चाय के सिवा क्या बना सकता हूँ बेटा? अगर बुरा ना मानो तो मेरे पास 2 पाव है, चलेगा? हाँ, कुछ भी चलेगा दादाजी, आप दे दीजिए। ये लो। दादाजी ये बताइए, रानी विलास गेस्ट हाउस कैसे जाते हैं? रानी विलास गेस्ट हाउस, वो देखो वो बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ? वहाँ से थोड़ा आगे जाकर 3 किलोमीटर के बाद बाएं मुड़ जाना, वही रानी विलास गेस्ट हाउस मिल जाएगा। What happened? वहाँ देखो। वो लोग क्या, वो लोग हमारे ही गांव के लोग हैं। एक दिन रात को फिल्म देखकर आते समय लॉरी से टकरा कर सब के सब वहीं मर गए। अब ज्यादा देर मत रुको, यहाँ अभी चले जाओ, चलो जाओ जाओ। चलो चलते हैं। हनीमून के लिए आए हो? तुम लोग बहुत ही अच्छे समय पर आए हो। मेरा नाम राधेश्याम है और मैं यहाँ का वॉचमैन हूँ। अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ओके। तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो? मैं इस घर में काम करने वाली नौकरानी हूँ। वो वहाँ पहुँच गई क्या? अरे वो नहीं आएगा, गेट के पास रहना ही उसका काम है। तुम लोग चलो अंदर, आओ चलो। आओ आओ, संभल कर आना, लगता है नई नई शादी है, इतनी रात आए हो, संभल कर आना। हाँ।
तुम दोनों बैठो, मैं पीने के लिए पानी लाती हूँ। गेस्ट हाउस तो अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा है। सुनिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं ये पाव खा लूं? प्लीज। ये लो बेटा, तुम लोगों की जोड़ी बहुत अच्छी है, बहुत ही सुंदर लगते हो साथ में। ये क्या बेटी, पाव खा रही हो? आते समय कुछ खाया नहीं क्या? नहीं दादी, यहाँ बहुत मुश्किल से पहुँचे हैं, तो खाना कहाँ खाते? क्यों, क्या हुआ बेटी? हाँ, वो एक बहुत बड़ी कहानी है, छोड़िए ना दादी, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जाकर सो जाती हूँ। रुक जाओ बेटी, अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, भूखे पेट नहीं सोते। जा बेटा, खाने के लिए कुछ लेकर आ जा। यहाँ पर क्या मिलेगा दादी, यहाँ तो चारों तरफ जंगल ही जंगल है। यहाँ से 4-5 किलोमीटर एक आदमी ठेला लगाए बैठता है, उसके पास खाने के लिए बहुत चीजें होती हैं। जा जल्दी से कुछ इसके लिए खाने के लिए ला, जितने भी लॉरी वाले आते हैं ना, वो उसी के यहाँ खाना खाते हैं। वाओ सुपर, मैं जाकर खाना लेके आता हूँ। नहीं नहीं, खाना वाना कुछ नहीं चाहिए, एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो हम मर तो नहीं जाएंगे ना, प्लीज तुम कहीं मत जाओ। नॉर्मल डे होता तो मैं खुद ही ना कह देता, मगर आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है, थोड़ी एनर्जी तो चाहिए कि नहीं? ये क्या, इस टाइम पर भी तुम्हें फर्स्ट नाइट की पड़ी है, मैं क्या कहूँ तुमसे? ठीक है, ऐसी बात करता रहूंगा तो लेट हो जाऊंगा, मैं जाकर लेके आता हूँ। दादी माँ, इसका थोड़ा ख्याल रखना। आई विल कम। दादाजी, मैं खाना लेने जा रहा हूँ, आपके लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी ठंड लग रही है, अगर थोड़ी दारू मिलती तो अच्छा होता है। ओके ठीक है। यहाँ पर बहुत किताबें हैं, अगर तुम बोर हो रही हो तो इन्हें पढ़ सकती हो, समझ गई ना? हेलो हेलो, हाँ कुछ सुन दे रहा है? जी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो, अच्छा सुनो। हेलो अर्जुन, बेटी यहाँ सिग्नल नहीं आएगा, तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। हाँ मैं लेकर चलती हूँ। हेलो, यहाँ सिग्नल नहीं आता इसलिए सब लोग ऊपर ही जाते हैं। अर्जुन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, एक मिनट रुको, एक मिनट। हेलो, हाँ यहाँ यहीं पर सुनाई देगा, आ गया ना सिग्नल बेटी? हेलो, हाँ हेलो अर्जुन। अच्छा क्या लाऊं तुम्हारे लिए, वेज या नॉन वेज? अर्जुन तुम कुछ भी लेकर आओ, पर प्लीज जल्दी आ जाओ, लेट मत करना। हाँ ओके ओके, डोंट वरी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। हाँ दादी कहाँ चली गई? दादी 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 बेटी, दादी बेटी, दादी जल्दी आ जा, दादी दादी हम कहाँ हैं, क्या हुआ आपको? दादी दादी दादी, दादाजी
राजा की नौकरानी हूँ, कामाक्षी। हा? मुझे सच सच बताओ, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो? मैं झूठ नहीं बोल रही मालकिन, मैं यहाँ काम करती हूँ। मुझे लगा आप लोग देर से आओगे इसलिए घर चली गई थी। यहाँ की लाइट जली हुई देखी ना तो वापस आ गई। क्या हुआ मालकिन, आप इतनी डरी हुई क्यों हो, बात क्या है? ओ, दादा दादी दिखाई दिए क्या? हाँ। आप डरिए मत, ये उनका ही घर है, जब उनको आने को होता है तब आ जाते हैं। हाँ। अच्छा मालकिन, आपको अकेले छोड़ के आपके पति कहाँ चले गए? खाना लाने गए हैं। ये क्या किया आपने, इतनी रात को उनको खाना लाने के लिए भेज दिया? क्यों, क्या हुआ, क्या बात है? आज कराला अमावस्या है मालकिन, आज भूत निकलते हैं, उन्हें फोन करके बुला लीजिए। फोन स्विच ऑफ आ रहा है। लगता है आ गए। हे, अरे क्या हुआ तुम्हें? मुझे यहाँ से लेकर चलो। व्हाट हैपेंड? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे वापस लेकर चलो प्लीज। अनुष्का, और 3-4 घंटे में सुबह हो जाएगी। दादा और दादी कहाँ हैं? मैं उनके लिए भी खाना लेके आया हूँ। अरे क्या बात है? लग रहा है। और तुम कौन हो? मैं यहाँ की नौकरानी हूँ, आप लोग अंदर चलिए, इसे मुझे दीजिए। कम कुछ नहीं होगा, चलो चलो अंदर। दादा दादी, ये इस घर के मालिक हैं। ये कभी कभी यहाँ दिखाई देते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। यहाँ कोई भी नई जोड़ी आती है ना, उनकी रक्षा करते हैं ये। हमने गेस्ट हाउस में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, रास्ते में इतना बड़ा हादसा, यहाँ इतना बड़ा हादसा, समझ में नहीं आता अब और क्या होगा। हमें यहाँ से जल्द से जल्द निकलना होगा। मालकिन, इन सब बातों पे ध्यान मत दीजिए, चलिए खाना खा लीजिए, चलिए ना। मैं जाकर जरा फ्रेश होके आता हूँ, तुम खाना खाकर आ जाना, एनर्जी कुछ ज्यादा ही भरी पड़ी है। देखो बात यह है कि मैंने ये जो इतना सारा इंतजाम किया है वो सिर्फ अपने फर्स्ट नाइट के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी खुशी के लिए भी। तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे बस तुम्हारी खुशी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू, आई लव यू अर्जुन। आई लव यू टू। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? बुरा मत मानिए साहब, इस टाइम पे ये काम करना गलत होता है, यही कहने आई हूँ। मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? इस टाइम पे आप दोनों मत मिलिए, अगर आप लोग मिले ना दोनों में से एक मर जाएगा मालिक। अरे जाओ यहाँ से, गेट आउट, गेट लॉस्ट, चलो निकलो। मैं तो भला करने आई थी, मुझे डांटने लगे। अर्जुन, इन बातों पर ध्यान क्यों देते हो, बैठ जाओ। इतना सोचकर गुस्सा क्यों करते हो, मैं हूं ना। Oh!
कामाक्षी, कम कम कम, अनुष्का, कामाक्षी, तुम जाकर पानी लेकर आओ जल्दी। ए, मिलना चाहता है ना? आजा, आजा मुझसे मिल, आजा। छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो। अर्जुन। कामाक्षी, छोड़ो। अर्जुन दरवाजा खोलो प्लीज। अर्जुन दरवाजा खोलो। अर्जुन अर्जुन दरवाजा खोलो। अर्जुन दरवाजा खोलो प्लीज। अर्जुन कामाक्षी से फोन कर रही हूँ। हमारे गेस्ट हाउस में एक नई जोड़ी आई है और उसके पति को एक दुष्ट आत्मा बहुत परेशान कर रही है। स्वामी जी आप यहाँ आके उसके पति को बचा लीजिए। स्वामी जी मैं इस समय वहाँ नहीं आ सकता, सुबह आऊंगा। स्वामी जी मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप मेरे पति को बचा लीजिए। स्वामी जी इस घर में पता नहीं क्या हो रहा है, कोई आत्मा
बदला लेने की कोशिश कर रही है स्वामी जी। प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए स्वामी जी, बचा लीजिए उन्हें। तुम रो मत बेटी, उसके साथ क्या करना है वो समय पर होगा, नहीं तो सब उल्टा हो जाएगा। तुम पूजा वाले कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लो, कोई भी दरवाजा ठोके चाहे वो कोई भी हो, मेरे आने तक तुम बाहर मत आना। अगर तुम बाहर आई तो तुम्हारी मौत पक्का हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है स्वामी जी। आजा, बंद करो। ओम दुर्गे नमः। दोस्तांतरी को बुलाओगे, मुझे भगाना चाहती हो? आजा, अंदर देवों की पूजा करता हूँ, मैं उनका आराधना करता हूँ, इस तरह की आत्मा मेरी बातों में बराबर भी नहीं, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं उसे यहाँ से भगा दूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। स्वामी जी आप बचा लीजिए उन्हें, बचा लीजिए। ओम ह्रीम क्लीम। चला जा महाकाली, मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। हे पिशाचरी, तू यहाँ आकर बैठ जा। चला जा, चला जा यहाँ से, चला जा। ओम काली महाकाली आदिशक्ति मुंड माली फट, इस शरीर को छोड़कर तुझे मुक्ति दिलवाता हूँ। मुझे कोई नहीं मुक्ति दिला सकता। दुर्गा चंडी के स्वाहा। आओगी कि नहीं? छोड़ोगी नहीं तुझे, छोड़ोगी नहीं। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ मैं नहीं बिगाड़ सकता। तुम लोग तांत्रिक को बुलाओगे? इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। मालकिन, बहुत बढ़िया है।
वो देखो सावित्री आ गई। कहाँ चले गए वो लोग? वो लोग मुझे चाहिए। उधर है। क्या नाम है तुम्हारा? अर्जुन। मिस्टर अर्जुन, ये सब कैसे हुआ? हनीमून के लिए मैं और मेरी बीवी शहर छोड़कर आ रहे थे। सर, वाह भाई वाह, सुपर 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 स्क्रीन प्ले। दारू पीता तो भी इतनी नहीं चढ़ती मुझे, लेकिन तेरी कहानी सुनकर पूरी चढ़ गई है मुझे। हेलो, मुझे सच सच बता, बात क्या है? सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ। कोर्ट में ये सब कहानी नहीं चलती, इसका खून तुमने ही किया है। सर, इसे मैं क्यों मारूंगा सर, और इसे मारने से मुझे क्या फायदा होगा? मेरे पास धन दौलत जायदाद सब कुछ है, समाज में मेरा स्टेटस भी अच्छा है सर, लेकिन ये लड़की बहुत ही गरीब घर की है, उसे प्यार करके शादी की थी सर। तो इस जुर्म का गुनहगार है या नहीं है ये पता करने के लिए पुलिस को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इस केस को ही क्लोज करना हो तो तुम्हें 5 लाख रुपए देने होंगे, उसके बाद सब कुछ मैं संभाल लूंगा। अर्जुन, अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। बॉडी को पोस्टमार्टम में भेजकर सुसाइड केस लिखकर केस को क्लोज कर दूंगा। ठीक है सर। साहब, मैम साहब की लाश आ गई। लाश मत कहना, वो मर गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी यादें मेरे दिल से भी निकल गई हैं।
दादाजी, दादी, सुपर अरे तुम भी बहुत सुपर थे और तूने भी बहुत अच्छा किया बहुत अच्छे क्यों किया ऐसा? तुम सबने मिलकर मेरी बीबी को क्यों मार दिया? क्यों किया? क्यों मार दिया उसे? पर साहब, आपने तो ये कहा था कि आपकी बीवी को सिर्फ डराना है और कुछ नहीं। करेक्ट करेक्ट एक्टिंग थी यार, सुपर्ब। भाई आपने जैसा कहा हमने काम वैसे किया, बस हमारे पैसे हमें दे दीजिए। तुम्हें सिंगल नहीं डबल पेमेंट मिलेगा, एंजॉय करो। तांत्रिक भाई साहब, क्या एक्टिंग की है आपने, आपको तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। वो सब कालिका माता का आशीर्वाद है। बहना, कोई इतना जोर से मारता है क्या? खून निकल आया था मेरा। माफ करिएगा साहब, अगर मैं इतनी जोर से नहीं मारती तो आपका सोचा हुआ प्लान कामयाब कैसे होता साहब? वो बात भी सही है। हाँ? मैं आपका ही बेटा हूँ डैड। राम के वंश में राक्षस पैदा नहीं होता। राक्षस के वंश में राम पैदा नहीं होगा, राक्षस के वंश में राक्षस ही पैदा होगा। आपने जो डील की थी वो तो बहुत पहले ही पूरी हो गई थी। हनीमून की कहानी का दी एंड कर दिया है, अब तो आप खुश हो ना डैड? मुझे पता था। कैसे भी तू उस काम को पूरा करके छुपा देगा, तू तो ऐसे काम में बहुत चालाक है ना। इसलिए इस हनीमून की कहानी में तुझे एक्टर बना के मैं इस कहानी का डायरेक्टर बन गया, क्योंकि तेरे जैसा कोई एक्टर नहीं कर सकता। आपने तो पुलिस वालों को 10 लाख देकर केस खत्म करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने तो जस्ट 5 लाख में मामला फिनिश कर दिया। क्योंकि तुम मेरे बेटे हो ना, इसलिए। लेकिन एक बात का डर है डैड। डर? कैसा डर? मेरे आने के बाद उस लड़की के माता पिता ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो? डोंट वरी बेटा, तू तो हीरो जैसा एक्टिंग किया। अब देख, मैं उसके घर में जाकर फुल परफॉर्मेंस करूंगा विथ लाइफ। बेटा अब देख तेरे पापा का परफॉर्मेंस कैसा है। लाइव में रहना, तू देख कर एंजॉय करना। ठीक है डैड। क्या हुआ संध्या जी? कैसी जिंदगी है तुम लोगों की? कैसी लड़की को पैदा किया तुमने? उसे गरीब और सीधी सादी समझकर मेरे बेटे ने उससे शादी की, लेकिन वो तो बहुत बड़ी नौटंकी निकली। मेरी बेटी ने ऐसा क्या कर दिया है? रात ही रात अपने सारे कपड़े लेकर अपने आशिक के साथ भाग गई।
अगर मैंने पुलिस में कंप्लेंट लिखाई और चैनल वालों को न्यूज दे दी तो वो ब्रेकिंग न्यूज बनकर तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे। तुम लोगों से रिश्ता छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। बहुत अच्छा सबक सिखाया तुम लोगों ने। किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब मैं सबको दिखाती हूँ कि मौत क्या होती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों ने ड्रामा करके मुझे फंसाया। मौत कितनी भयानक होती है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब से मेरी कहानी शुरू। सुब्रमण्यम भाई, नमस्ते। नमस्ते भाई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आकर बैठ जाओ। आप आएंगे ऐसा मैंने सोचा नहीं था। हे भगवान, हे भगवान, आज तो कमाल कर दिया। तूने मुझे अर्जेंट आने के लिए क्यों कहा? यहीं पास ही में एक डील फिक्स हुई है। वो क्या है ना कि एक पास में एक गांव है, वहाँ पर एक घर है। अगर इस घर की डील हो गई ना तो 15 लाख रुपए मिलेंगे। पैसा पक्का मिलेगा ना? आपके भरोसे पर मैंने हाँ कर दी है। अगर डील फिक्स तो मैं सेटल हो जाऊंगा। हाँ हाँ, रास्ता बता, पहले डील तो हो जाने दे। यहाँ कमला मौसी है ना? वो औरत नहीं, नहीं हा? कमला मौसी सर्कल, वहाँ से राइट और थोड़ा आगे जाके लेफ्ट से सीधा स्ट्रेट। देखिए भाई, ये वही घर है। कैसा है? शाबाश सुब्रमण्यम। लगता है पार्टी जबरदस्त है। लाइफ में सेटल भी तो होना है ना भाई। भाई देखा आपने? अगर डील सेट हो गई तो मजा आएगा। भाई वो देखिए, ओनर आ रहे। नमस्ते सर। बैठिए। नहीं कोई बात नहीं सर, मैंने आपको फोन पे जिसके बारे में बताया था ना, ये वही है। ये अक्सर आपके बारे में मुझे बताते रहते हैं। अगर आपने एक बार काम को कमिट कर दिया तो आप उस काम को पूरा करते हैं, ये बात सच है क्या? ऐसा कुछ नहीं है साहब, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी नहीं मानते, उन्हें मनाने के लिए मैं उपाय करता हूँ। वैसे मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ साहब, आपके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, हमें तो बस आप लोगों का आशीर्वाद ही चाहिए। I like your simplicity. ठीक है, सीधी बात पे आता हूँ मैं। ठीक है साहब। हमारा एक गेस्ट हाउस है और उस गेस्ट हाउस में एक आत्मा रहती है।
सारे गांव वालों का यही कहना है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है उसके बारे में मैं नहीं जानता। इस वजह से गेस्ट हाउस खरीदने को कोई तैयार नहीं। कैसे भी करके इस समस्या का समाधान आपको करना है। ये समस्या तो बहुत जटिल लग रही है। हाँ सर, मेरे गांव में मैं एक गुरुजी को जानता हूँ। ऐसी समस्या का समाधान करने में वो माहिर हैं। अगर आप कहें तो वो चुटकी में समस्या का समाधान कर देंगे। मैं रेडी हूँ। कैसे भी करके इस समस्या को खत्म कीजिए आप। ये देखिए मेरे गेस्ट हाउस की फोटो। हे भगवान, ये डील सेट हो जाए। 2 लाख का फाइनेंस बनना है, 3 लाख का कर्जा देना है, सारा काम एकदम हो जाएगा। भगवान ये गेस्ट हाउस है, तू कैसे करेगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये गेस्ट हाउस मुझे चाहिए। जितना कहा था उसका फुल पेमेंट में सेटल कर रहा हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, इस गेस्ट हाउस का डील हो जाएगा। हाँ? ये क्या, उस दिन शिव नारायण ने इस गेस्ट हाउस की डील पूरी कर दी थी। शिव नारायण ने मुझे इसी गेस्ट हाउस का फोटो दिखाया था। अगर मैंने शिव नारायण की डील पूरी नहीं की तो बाप रे बाप, ये बात मेरे बेटे को पता चल गई तो ये लीजिए सर, देना है, सब हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे बताइए ना क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे ये फोटो देख के भाग क्यों गए सुब्रमण्यम? वो भाग क्यों गए? पता नहीं वो भाई कहाँ चले गए, मैं अभी उनसे पूछ करके आता हूँ, है ना। आप रुकिए, 2 मिनट में रुकिए, बस मैं आया। सुनो, अरे अरे सुब्रमण्यम भाई, वहाँ पर डील सेट करने की बात थी, आप वहाँ से क्यों चले आए? सुब्रमण्यम मुझे अर्जेंट काम है, मैं बाद में तुम्हें फोन करता हूँ। हे भगवान, आखिर ऐसा क्या हो गया, ये बिना बताए कहाँ जा रहे हैं भाई? हे भगवान, हाथ में आकर मुंह से निकल गया। छे, क्या होगा अब आगे? शिव नारायण और उस गेस्ट हाउस में क्या संबंध है, वो कैसे पता लगाऊं? पहले तुम मेरा काम पूरा करो, अपने लड़के को किसी बड़े घर की लड़की के पीछे लगा दो। लड़की के पटने के बाद उसकी फैमिली से बात करके उन दोनों की शादी करवा दो। फिर हनीमून के लिए उन्हें इसी बंगले पर भेज देना, वहाँ जाके उसे मार दो और वहीं पर गाड़ देना। और कोई पूछे तो कह देना कि वो लड़की किसी दूसरे के साथ भाग गई। कैसा लगा मेरा प्लान? बाप रे, सुपर प्लान, डील तो बहुत ही आसान हो गई। क्या बात है शिव नारायण, मैं एक क्रिमिनल हूँ तो तुम मुझसे बड़ा क्रिमिनल है क्या? वो कौन है, कहाँ रहता है? उस लड़की के माँ बाप से पता लगाऊंगा तो उस मुझे सब पता चल जाएगा। कौन चाहिए साहब? ऊपर के पोर्शन में जो भाड़े में थे वो लोग खाली करके चले गए। ऐसा क्या? हाँ साहब, 4 घंटे पहले यहाँ थे वो लोग, इतनी जल्दी घर खाली करके चले गए क्या? इस घर का सारा सामान हमारा ही है साहब, 10 दिन रहने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट किया था, 10,000 एडवांस भी दिया था, लेकिन वो लोग कहाँ चले गए कुछ पता नहीं साहब। आपने भी पैसे दिए हैं क्या? नहीं नहीं, हाँ यहाँ अनुष्का नाम की लड़की थी ना। अनुष्का साहब, लगता है आपसे किसी ने झूठ बोला है, उसका नाम अमृता है।
साहब एक और बात, जब से वो यहाँ पर आई थी उन दोनों को अंकल और आंटी ही कह के बुलाती थी। यहाँ का काम जल्दी खत्म करके जाना है ऐसा बोल रही थी हमसे। क्या हो रहा है यहाँ राज माणिक? उस टकले ने तुझे फंसा दिया लगता है, इसीलिए तो उसने 25 लाख एडवांस में दिए थे। अरे वो सूटकेस मिला कि नहीं? हाँ हाँ मिल गया। उसके अंदर पैसा है कि नहीं देख? हाँ हाँ देखती हूँ। अजी ये क्या है? ये तो नकली पेपर के नोट्स हैं। ये क्या? सब नकली नोट हैं जी। नकली नोट हैं? हाँ, आपको फंसाया लगता है। उसकी तो ए फोन रख तू। छे अभी मेरा बेटा किस हाल में होगा क्या पता। तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? सर आपने ही तो फोन करके बुलाया, कहा कि एक डील करनी है। ये क्या बात कर रहे हो साहब? इसका मतलब वहाँ मेरी दुकान पर आप नहीं आए थे क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है साहब। ये तो कब से आपका दरवाजा ठोक रहे थे, खोल क्यों नहीं रहे थे? तुम क्या बात कर रहे हो यार? ये देखिए आपने ही फोन किया था। मैंने किसी को फोन नहीं किया था। मैंने किसी को फोन नहीं किया था यार। क्या बात कर रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। साहब हम सब आपका साथ देंगे, हम तो फंस गए साहब, अब हमारा क्या? क्या हाल बना दिया साहब आपने, अगर जान बच गई तो अच्छा काम करके जी लेंगे, लेकिन वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। आपने क्या कर दिया साहब? अरे मेरी बात मानो, अगर हम लोग यहाँ पर रुके ना तो हमें भी मरवा देगा। चलो 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 डोंट टच, मेरी परमिशन के बिना कोई इसे टच नहीं करेगा। मैं तो तुम्हारा पति हूँ, मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? कुछ भी हो मैं इसे किसी को छूने नहीं दूंगी। वैसे क्या है इसमें? इसमें कुछ छुपे हुए राज हैं। राज क्या? ठीक है। यहाँ पे मिल गए, चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो, इनको भी ले लो। चाचा जी हम लोग आपको खाने पहनने के लिए सब कुछ देंगे, बस आप हमारे साथ चलिए। हाँ चलिए आप भी चलिए। आपको रहने के लिए जगह, सोने के लिए बेड, सब कुछ मिलेगा चाचा जी, आप चलिए। चलिए चलिए आराम, चलो आइए आइए, चलो 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 चलिए, आप बैठिए एकदम फर्स्ट क्लास जगह। आइए निकाल आइए चाचा, चलो आइए।
सब लोग चुप रहोगे, अगर किसी ने मुंह खोला ना तो मैं नहीं छोड़ेंगे, पुलिस कंप्लेन करेंगे। पागल, आज मरने वाला है, पुलिस कंप्लेन करने चला है, ज्यादा बोला तो अभी मार डालूंगा। ए सब लाइन में खड़े हो जाओ। ए क्या देख रहा है, चल जल्दी कर, जल्दी से ब्लड निकाल इनका। चलो 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 आगे बढ़ो। छोड़ दो मुझे, मैंने क्या किया है, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इतना क्यों तकलीफ दे रहे हो, छोड़ दो, छोड़ दो भाई, छोड़ दो। क्यों तुम हमारे साथ ये सब कर रहे हो, छोड़ दो, छोड़ दो। इसका ब्लड तो पॉजिटिव है, आधे घंटे के अंदर ये बुड्ढा मर जाएगा, उसके बाद इसकी बॉडी को डिस्पोज करके उसके बाद इसके कंकाल को एसिड से धोना है, समझ गया ना? ठीक है भाई, जाओ। बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आपने जो टाइम बताया था उस टाइम पर माल मिल जाएगा, बदले में आप भी हमारे पैसे का बराबर ख्याल रखना भाई। ए, रुचा रुचा, उसमें एक लड़की है, रुचा। अरे फोन उठा, फोन उठा, अरे फोन तो उठा, फोन नहीं उठाता छे। हाँ कमीना, गरीब लाचारों से लाखों करोड़ों कमाते हो, जो तुम्हें प्रोटेक्शन देता है उस पे तुम ये चिल्लर बांट रहे हो। जाके अपने बॉस से बोल दो, सिटी में नया कमिश्नर आया है, वो हमारे जैसा नहीं है, समझे? ठीक है सर। पुलिस भी इनके साथ मिले हुए हैं, तो अब मैं कंप्लेन कहाँ पे दूँ? हाँ भाई। ए, एक लड़की तेरी वैन में भाग गई है, जरा चेक करके देख उसमें है कि नहीं। हाँ भाई देखता हूँ। सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम संयुक्ता है, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, कमेंट्स और लाइक्स के लिए मैं सोशल मीडिया पर नहीं आई हूँ, मैं एक आम पब्लिक हूँ। ये समाज हमें बहुत कुछ देता है, लेकिन हम समाज को क्या दे रहे हैं, यही मैं पब्लिक से पूछने आई हूँ। जन्म देने वाली माँ को, अन्न देने वाली धरती को कभी भूलना नहीं चाहिए, लेकिन इस समाज के कुछ ऐसे भी बड़े लोग हैं जो मासूम और गरीबों की जान ले रहे हैं। इन मुखौटे पहने हुए बड़े लोगों ने इसे एक धंधा ही बना लिया है, रात के वक्त गरीब और मासूम लोगों को वो गाड़ी में बिठा कर ले जा रहे हैं। इस समाज के अंदर बहुत कुछ हो रहा है और इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। ये एक अनाथ आश्रम है, इसका नाम है जोसेफ अनाथ आश्रम। दरअसल ये एक बुजुर्ग लोगों का आश्रम है, मगर इस आश्रम में अत्याचार करने वाले बहुत लोग हैं। बूढ़े लोगों को जगह दूंगा, खाना दूंगा, कपड़ा दूंगा ये कहकर लाते हैं, दो तीन दिन तक खाना कपड़ा देते हैं और अच्छे से देखभाल करते हैं, और रात के वक्त मेडिकल चेकअप के नाम पर उन्हें ले जाकर अनकॉन्शियस करने वाला इंजेक्शन देते हैं। अनकॉन्शियस होने के बाद उनके शरीर को एसिड में गलाकर उनकी हड्डियों को बॉक्स में पैक कर देते हैं। उसके बाद उनकी डेड बॉडी में अलग अलग केमिकल्स मिलाकर स्केलेटन को बॉडी से अलग करके विदेश में एक्सपोर्ट कर देते हैं। विदेशी लोग इन ह्यूमन स्केलेटन्स को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए देते हैं, और इस तरह से हमारे यहाँ के ये स्मगलर्स करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और ये लोग इस तरह से मासूम लोगों की जान ले रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि हमारी सरकार तक ये बात पहुँचे और वो सख्त से सख्त कदम उठाए। इन मासूम बुजुर्गों की जान बचाने के लिए इन नरभक्षकों को सजा मिलनी ही चाहिए। इनकी जान बचाने के लिए मैं सरकार से विनती करती हूँ। आप इसके बारे में क्या कहेंगे?
कार्रवाई करेगी। इस बारे में अभी कोई कुछ नहीं कह रहा है। जो से आखिर इस घटना का दोषी कौन है? वो आश्रम क्या बंद कर दिया जाएगा? वृद्धा आश्रम अगर बंद हो जाता है तो बुजुर्ग लोग कहाँ जाएंगे? बड़े लोगों के लिए ये कैसी सौदेबाजी है? जोसेफ अनाथ आश्रम में गलत तरीके से धंधा करने वाले जोसेफ नाम के एक आदमी को पुलिस पकड़ के ले गई। उसे कोर्ट में हाजिर किया गया था। पुलिस के पास उसके खिलाफ सबूत और गवाह भी है, पर वो जमानत पे बाहर आया है। सही टाइम पे जोसेफ के वकील ने बात को ऐसे घुमाया कि सरकारी वकील समय पे सारे सबूत पेश नहीं कर सके, इसीलिए केस की सुनवाई आगे बढ़ गयी। ओके बॉस, मैंने बताया था ना उस पार्टी के बारे में, इस काम के लिए वो सही आदमी है बॉस। बुलाओ उसे। तो यहाँ क्यों आया है जानता है? मुझे सब कुछ पता है। यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया गया है वो भी पता है। आपके आश्रम में चलने वाले सारे धंधों के संयुक्ता नाम की लड़की के पास पूरे के पूरे पक्के सबूत है ना, और आपने अपने पैसों के बल पर कोर्ट से जमानत हासिल कर ली है। अगर उसने आपके सारे सबूत कोर्ट में पेश कर दिए, मिनिमम 10 साल जेल में सड़ना पड़ेगा। कूल। अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो पता है मुझे। उस संयुक्ता को 24 घंटे के अंदर इस धरती से उठा लेना चाहिए, यही चाहते हो ना? गुड, वेरी गुड। मेरी सोच तुम्हें समझ आ गई, तुम एक हथियार हो। ये लो, इसमें पूरे 10 लाख हैं, लेके जाओ। किसे चाहिए आपका ये 10 लाख रुपए का चिल्लर? 1 करोड़ चाहिए। ओए, 1 करोड़ रुपए चाहिए? अगर मैंने 10,000 फेंक दिए ना, तो इस काम को करने के लिए 100 लोग भाग के आएंगे। एक छोटे से काम के लिए तुझे 1 करोड़ चाहिए? हाँ, तुम्हीं ने तो कहा था ना, बहुत लोग मिल जाएंगे। ये छोटा मोटा काम गुंडों से नहीं होने वाला। दिमाग को बुलेट की तरह, बॉडी को फायर की तरह मिसाइल बनकर टारगेट को रीच करने जैसा समझदार क्रिमिनल होना चाहिए। ठंडे दिमाग से सोच लो, 1 करोड़ दोगे या 10 साल जेल में सड़ना चाहोगे? तू कोई मामूली इंसान नहीं है, ये तूने प्रूफ कर दिया। इस बैग को ले जा, इसमें पूरे 1 करोड़ रुपए हैं। जा ऐश कर। जोसेफ, तुम्हारा पैसा जितना तुम्हारे लिए मायने रखता है, उतनी ही मेरी डील मेरे लिए मायने रखती है। डोंट वरी जोसेफ, तुम्हें ग्रहण की तरह चिपकी हुई संयुक्ता का अकाउंट 24 घंटों में पूरा क्लोज कर दूंगा। बाय। हेलो, कौन? समिप्ता मैडम। हाँ, कहिए। जिनके साथ अन्याय हुआ था उनको तो आपने न्याय दिलवा दिया, लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजमानिक है। मेरा बेटा एक मिनिस्टर के पास काम कर रहा था मैडम, उसके कुछ सीक्रेट्स मेरे बेटे को पता चल गए मैडम। उन्होंने मेरे बेटे को धमकी दी है। अब मेरे बेटे से एक बार मिलो, उसे सारे सीक्रेट्स पता है मैडम। सीक्रेट न्यूज? कौन सी सीक्रेट न्यूज? अगर तुम लोग पैसा नहीं दिए तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा, कह रहा है मैडम। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों को न्याय दिलाऊंगी। अभी आप कहाँ हैं बताइए, मैं अभी आ जाती हूँ। ईगल टाउन के पास हूँ मैडम। ठीक है, मैं वहीं पहुंच रही हूँ। ओके, नमस्ते मैडम। आप ही ने मुझे फोन किया था? जी हाँ मैडम। गाड़ी में बैठिए, बात करते हैं, आइए। नहीं मैडम, हम लोग ऑटो में चलते हैं, कार को जाने दीजिए। भाई आप चले जाओ। आइए मैडम, बैठिए मैडम, जल्दी जल्दी इधर चल, इधर। हाँ चल इधर। आइए मैडम, यही है मेरा बेटा, इसे बचा लो मैडम। प्लीज रिलैक्स हो जाइए।
सुनिए, मुझे सच बताइए वहां पर क्या हुआ था। आप डरिए मत। उस मिनिस्टर के पास आपका कौन सा सीक्रेट था? कंफ्यूज हो गई ना? मैं कौन हूँ, ये कौन है और हम सब लोग तुमको क्यों मार रहे हैं, इसके लिए तुम कंफ्यूज हो गई ना? इसने वो ही किया जो मैंने बोला। तुझे बातों में फंसा कर मैं यहाँ तक लाया हूँ। तुझे जोसफ अनाथ आश्रम पता है ना? उस अनाथ आश्रम में लोगों को खाना खिलाते हैं। हाँ, हम उन्हें उठाते हैं, उनकी किडनी निकालते हैं, उन्हें मारते हैं, तो वो हम अपने बिजनेस के लिए। लेकिन तू चुप नहीं रही, वहां जाकर उनके कामों को शूट करके सारे सबूत पुलिस वालों को दे दिया तूने। इसलिए वो अनाथ आश्रम बंद हो गया। ए, हम लोगों की आंखों में पट्टी वाली न्याय की देवी चाहिए, तेरे जैसी फोन लेकर अन्याय को ढूंढ कर न्याय दिलाने वाली नहीं चाहिए। ए बेटा, ये ले, तू अपने हाथों से इसे मार डाल, मार। इस कलयुग में अच्छा ही कोई नहीं देखता, पैसा, सब पैसा देखते हैं। हम दोनों के लिए, तुम्हें मारने के लिए बहुत बड़ा सॉरी। जाकर घासलेट लेकर के आओ, इसके शरीर पर डालकर इसे जला दो, जला दो। कौन है? एह, बेचारी को बिना मतलब के मार दिया, उसने क्या गलती की थी? ए, कौन है? मैं मर गई हूँ ऐसा सोच रहे हो ना? कौन है? तुमने शुरू किया गेम, अब मैं खत्म करूंगी। मैं मरी नहीं हूँ, मैंने सिर्फ मरने का नाटक किया है। तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तुम्हें क्या लगा कि मैं मर चुकी हूँ? यही सोचकर आराम से जीना चाहते थे ना तुम? मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगी, योगा शक्ति से मैं जिंदा हो गई हूँ। हाँ, मैंने खुद को चाकू मारा था और ये सारी मेरी पहले से बनाई हुई प्लानिंग थी। वो चाकू स्प्रिंग वाला था। फिर योगा शक्ति से मैं फिर से जिंदा हो गई। मुझे मारने के लिए तुम सबने ड्रामा किया ना? वैसे ही ड्रामा मैंने तुम सबको मारने के लिए बनाया है। तुमने पैसे देकर जिस पुलिस इंस्पेक्टर को खरीद लिया था ना, वो अब मेरे प्लान में शामिल है। वो मेरा फैमिली फ्रेंड है। तुम्हें इस घर में लाने के लिए तुम्हारे पापा से एक डील करवाई थी ताकि तुमसे शादी हो सके। शादी में आए हुए मेरे माता पिता भी नकली थे। आपके प्लान के मुताबिक सब कुछ तैयार है। ये देखिए, धर्मदुर्गा नाम के इस गाँव में एक गेस्ट हाउस है, आपको वहां जाना होगा। ओके अंकल,
मैंने जैसा सोचा है गेस्ट हाउस में ऐसा ही होगा ना? वैसा ही होगा। प्लीज आशीर्वाद दीजिए कि जैसा सोचा है वैसा ही हो जाए अंकल। अगर वहाँ से पॉजिटिव वाइब्रेशन आ गया तो अपना प्लान वहीं सक्सेस हो जाएगा और अपने डील का जो काम है वो भी वहीं पर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करना, ओके? थैंक यू। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मेरी एक बात ध्यान से सुन ले, मुझे मारने की प्लानिंग में जिन जिन लोगों को तुमने ड्रामा में शामिल किया था ना, उन सबको तड़पा तड़पा कर मारूंगी। अब दिखाऊंगी तुझे खेल, जो खेल मैंने शुरू किया था उस खेल को अब मैं ही खत्म करूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे। आखिर बात क्या है? मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, सारी बातें मुझे सच सच बताना। कितने करोड़ की संपत्ति है तुम्हारी? क्या हुआ स्वामी, समस्या है? मुझसे कोई सवाल मत पूछना, मैंने जो सवाल पूछा उसका ही जवाब दो। कितने करोड़ की संपत्ति है? 150 करोड़ की स्वामी जी, और ये सारी संपत्ति मेरे दादाजी के जमाने से चली आ रही है, और वो गेस्ट हाउस राजा रानी के जमाने का है स्वामी। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनकर जवाब दो, अगर उस 500 करोड़ वाले घर पर तेरी नजर गिरी तो तुमने जो मेहनत से कमाया है, जो रखी हुई संपत्ति है, वो सब चली जाएगी। जैसा तुम सोचते हो वहां कोई भूत प्रेत नहीं है, लेकिन उस पूरे इलाके में धर्म दुर्गा साम्राज्य की रानी है, अनुष्का देवी रानी। देवी रानी।
और तब उनसे लड़ाई होने के बाद अनुष्का देवी रानी कहां गई, कैसी हैं, ये किसी को नहीं पता। इसलिए उस साम्राज्य में वो ही घूमती हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। इन सारे सवालों का जवाब समय आने के बाद खुद पता चल जाएगा। काल आए तस्मै नमा। बेटा ए रुक जा, आगे मत बढ़ना, अगर आगे बढ़ा तो मार डालूंगी। इस गेस्ट हाउस में भूत है ऐसा मैंने सुना था, लेकिन यहाँ कमरे में मेरा बेटा बंद है, अब मैं क्या करूं? चला जा यहाँ से, वरना तेरी मौत मेरे हाथों से होगी। ये तो बड़ी अजीब बात है, मेरे बेटे ने कहा था कि पुलिस वालों को पैसा दिया है। हाँ, उन्हें ही बुलाकर अपने बेटे को छुड़ा कर ले जाऊंगा। क्या चाहिए तुम्हें? साहब से मिलने के लिए आया हूँ। तुम्हारे यहाँ आने से थोड़ी देर पहले ही वो निकल गए। ठीक है, उनके आने के बाद आता हूँ। अरे बैठ जाओ भाई। कभी असली मर्द को देखा है? अजीत कुमार का नाम तुमने सुना है क्या? हमारे इंस्पेक्टर साहब किसी सुपरस्टार से कम नहीं है, शेर है वो शेर। एक बार शेर शिकार के लिए निकल गया ना। जब हमारे सर बुलेट को चलाते हुए आते हैं ना, सबकी हवा टाइट हो जाती है। उनकी मूछें शेर की पूंछ जैसी, उनकी आंखें शेर की जैसी। ताकतवर शेर हमारे इंस्पेक्टर हैं, वो एक खूंखार शेर है। तुम्हें पता है यहाँ आधे घंटे पहले क्या हुआ था? बचा लीजिए सर। स्टॉप। इस खूंखार शेर के थाने में एंट्री मारने से पहले चेहरे पर पसीना नहीं होना चाहिए और नाक पर खून नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजें इंस्पेक्टर अजीत कुमार को पसंद नहीं है। इंस्पेक्टर अजीत कुमार के बारे में सुना है तुमने? गुंडों की फट जाती है, दुश्मनों की आरती उतारता हूँ। इतना खूंखार शेर इस गांव में ड्यूटी कर रहा है, लेकिन तुम्हारा ये हाल किसने कर दिया? मेरे होते हुए ऐसा करने की हिम्मत किसकी हुई? तुमने मेरा नाम लिया होता तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। सर, मैंने आपका नाम लिया इसीलिए उन्होंने मारा सर। मेरा नाम लेने के बाद भी उन लोगों ने तुम्हारा ये हाल किया? मतलब इतने बड़े गुंडे हैं वो, कहाँ है बोलो? सर, वो मर चुका है सर। क्या बोला, मर गया वो? ये तुम क्या कह रहे हो? सच में सर, मेरे दोस्त की आत्मा आई है सर। सर आप चलिए सर, मुझे बचा लीजिए सर, सर। क्या है ये सर? सर वो क्या कह रहा है सर? भूत का नाम ले रहा है सर। अपनी जुबान को लगाम दे। ये इंस्पेक्टर अजीत कुमार बचपन से कभी ग्राउंड में जाकर क्रिकेट नहीं खेला और ना ही घर में बैठकर कैरम ही खेला। शमशान में मुर्दों के साथ खेलकर बड़ा हुआ हूँ मैं। लाशों की जलती चिता पर चाय बनाकर पी है मैंने। यहाँ तक कि शमशान के भूत मुझसे डरकर दूर हो जाया करते हैं। एक बार उन्हें डांट दूं तो भूत सुर में गाना सुनाने लगते हैं मुझे। hey, ये भूत वूत क्या है? I don't care। तुम में से कोई नहीं आएगा, मैं खुद जाकर उसे खींच कर उसे थाने में लाऊंगा और उसे चाय बनवाऊंगा। सावधान हो जाओ भूत। बिल्कुल सही कहा, यही है हमारे पुलिस स्टेशन के शेर। 5 किलोमीटर बोला था, कितनी दूर लेकर जा रहे हो तुम? बस सर, राइट ले लीजिए सर। बुलाओ, चलना है। इंस्पेक्टर अजीत कुमार को ही बुलाओ। बस सर, बस सर, बस पहुंचने वाले हैं। मुझे छोड़ दो, उस इंस्पेक्टर को बुलाओ। अरे चलना ही, छोड़ो। अरे क्या कर रहा है? अरे तू चलना। ये क्या है? ये तो शमशान के साधु जैसा लग रहा है, इधर आ। अरे सर रुक जाइए सर, उसके शरीर में भूत है सर। उसके शरीर पर भूत है तो मेरे शरीर पर खाकी वर्दी, देखते हैं क्या करता है। संग लिया ना, टाइगर प्रभाकर, साई कुमार, सभी के सभी मेरे शरीर में हैं। मैं इतनी हिम्मत वाला हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। ए कौन है तू? आजा, आजा। इतने दिन से मैं तेरी ही राह देख रहा था। इतने दिनों से मेरी राह देख रहा था? मैं भी इतने दिनों से इसी पल का इंतजार कर रहा था।
तू आखिर इस इंसान के अंदर आया कैसे बे? मैं बोलूंगा जब तक नहीं बताएगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं कौन हूँ पता है? इंस्पेक्टर अजीत कुमार। अबे तू क्यों बोल रहा है? अबे भूत इसके शरीर में है, तेरे शरीर में है बे। ये क्या खेल चल रहा है बे? मैं कौन हूँ तुम जानते हो क्या? कुसुम कट्टे पायल सिन्हा। कौन सा कट्टा कौन सा सिन्हा? सुमकुम कट्टे सर्किल में एनकाउंटर किया था ना, वही सिन्हा हूँ मैं। अबे मैंने कब एनकाउंटर किया था बे? तू नहीं, वो अब्दुल्ला इंस्पेक्टर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब्दुल्ला इंस्पेक्टर को छोड़कर मुझे क्यों बुलाया? तुझे मारूंगा तो वो आएगा इसलिए। बदमाश भूत है, कहाँ गए? अरे अरे मेरी गन, मेरी गन, मेरी गन लेकर गए। गन गन सुनो, पकड़ो पकड़ो। अरे बाप रे, चोर कभी नहीं। इंस्पेक्टर हूँ तब भी उन लोगों ने इतना पीट दिया। नहीं नहीं, मैंने मारा, मैंने मैंने। इधर आ बे, इधर आ, जल्दी से कंप्लेन लिख, बाइक चोरी हुई ऐसा फाइल में दर्ज कर ले। किसके नाम पे सर? पूछता है मुझसे गन का, एनकाउंटर कर दूंगा तेरा, मुझसे ही सवाल करता है। अरे बाप रे, अरे बाप रे। सर नमस्ते सर, नमस्ते सर, आपसे बात करनी है सर। ए, बात करनी है तो रोड पे स्टेज लगा के माइक लगा के बात करना, लोग भी सुनेंगे मेरे पास आके क्या बकरा है। चल जाए यहाँ से, एक तो ऐसी पीट दिया कभी उन्होंने। अरे बाप रे, संभाल कर, संभाल कर। अब ये किसने बजा दी? हाँ कौन है? हेलो, मैं कमिश्नर, मुझे किसी से बात नहीं करनी। सर 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 सर, इंस्पेक्टर अजीत कुमार सर, मैटर क्या है सर? जेल से नेक्स्ट लाइट भाग गए हैं। ऐसा क्या सर? तुरंत उन्हें अरेस्ट करो। अभी अरेस्ट करता हूँ, डोंट वरी सर। डू इट फास्ट। थैंक यू सर। भाग के कहाँ जाएंगे? मेरी नजर से बचना मुश्किल है, चुटकी में पकड़ लूंगा। कान खोल के सुन लो, सेंट्रल जेल से चार कैदी फरार हो गए हैं, घने जंगल में घुस कर कहीं छुपे हुए हैं। सब के सब अलग अलग दिशा में ढूंढो, जाओ 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 जाओ। सर हाँ, इसका मतलब आप अकेले जाएंगे? अकेले नहीं जाऊंगा, इस बार मैंने एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया है। वो कौन है सर? सपना, सपना। सर भाई। हाँ बोलो। मेरा बेटा एक गेस्ट हाउस में फंस गया है, वो बहुत प्रॉब्लम में है। ठीक है, तुम उसके पास किसी खतरनाक किलर को भेज दो। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अपने छोकरे लोगों को भेजता हूँ। डर लग रहा है ना, डर लग रहा है ना? बिना वजह तुम लोगों ने मुझे मार दिया, क्या गलती थी मेरी? इसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है। मुझे इतना सता कर मारा है, तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम सबको तड़पा तड़पा कर मारूंगी। हम लोग का कोई हाथ नहीं है, हम सब एक अच्छे इंसान हैं, हमने उसके कहने पे ये काम किया था। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आज के बाद हम लोग छोटा मोटा काम करके जी लेंगे, पर ऐसा काम हम लोग कभी नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो, हमें जाने दो यहाँ से। मैं ये सच कहता हूँ, वो आपसे बदला लेना चाहता है, ये बात हमें नहीं पता थी, हमें छोड़ दीजिए। तुम लोग मानते हो ना कि आत्मा होती है? ए, बोल अभी। हाँ मानते 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 देवी, हाँ मानते। तुम सबको मैं छोड़ दूँ, पर मेरी एक बात माननी होगी, मानोगे? जिस तरह मुझे तड़पा तड़पा कर मारा, ठीक उसी तरह से उस अर्जुन को भी तड़पा तड़पा कर मारना होगा। सुनो 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 सुनो, सब लोग इधर आओ। सच कहूँ तो वो मरी भी नहीं है और ना ही वो कोई भूत है, वो जिंदा रहकर हमें डरा रही है। क्या कहा? वो हमें डरा रही है? पहले तूने उसे मारा, उसके बाद हमें मार देना चाहता है। तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? तू है तुझ पे, तेरे अंदर इंसानियत ही नहीं है। मारो इसे। किस पर हाथ उठाया तूने? छोड़ूंगा मैं तुझे। सब लोग मुझे मारना चाहते हो? आ जाओ।
छोड़ो मुझे। मारे तुम लोग, इसे क्यों मार रहे हो? छोड़ो, छोड़ो इसे। अगर मेरे बेटे को हाथ लगाए ना, तो हाथ पैर काट के शेर को खिला दूंगा। और एक पल मेरे आपको सामने रुके ना, तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। तुम सबको, हट। मेरे बेटे को मारते हैं, हाँ? किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। बेटा, ए बेटा, मुझे मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई बेटा, सॉरी। ये सब तेरी वजह से हुआ। इन भिखारियों ने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। ये थर्ड क्लास ब्रोकर है, ऐसा तूने प्रूव कर दिया। 100 बार मैंने तुझसे कहा था, कोई भी डील पक्की करने से पहले उसके बारे में सब कुछ जानना जरूरी होता है। देखा ना अब ये सब क्या हो गया। ए, ए बेटा, तेरे मोबाइल पे मैंने कॉल किया था, लेकिन स्विच ऑफ आ रहा था, तो मैं क्या करूं? अंदर क्या हो रहा है ये मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने सोचा था कि मैं बहुत बड़ा माहिर हूं, लेकिन वो मुझसे भी बड़ी माहिर है। वो मरी नहीं है, मरने का नाटक कर रही थी मेरे साथ। उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये सब उसका काम है। शादी करने के बाद तुम मर गई, ऐसा नाटक करके तुम हमें मारना चाहती हो? मैंने उसे नहीं छोड़ा तो क्या तुझे छोड़ दूंगा? अब तेरा नाटक बहुत हो गया, अब मैं खेलूंगा तेरे साथ खेल और इस खेल का अंत करूंगा। ए, तुम जैसे राक्षसों को मौत क्या होती है ये दिखाने के लिए ही मैंने ये प्लानिंग की। जिस तरह से उस मासूम लड़की को मारा था, सोचा था कि मुझे भी मार डालोगे। हाँ, तुम जैसे लोगों के लिए मैं काली हूँ। काली बोलती है। भूत है क्या? कौन सा भूत है? जरा मैं भी तो देखूं। इतना बड़ा बंगला है, इसमें भूत है। अगर वो मुझे दिख गया तो उसे पकड़कर मार डालूंगा। सर, सर, सर। अबे मनहूस शकल, उस दिन थाने में तेरे मनहूस कदम के पड़ते ही मैं सस्पेंड हो गया बे। सर, 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 मुझे मत मारो सर, मुझे मत मारो सर। क्यों नहीं मारूं तुझे? सर, इस घर में भूत है सर। सर, भूत है क्या? अच्छा, भूत के मामले से नाक आँख से भूत निकलता है क्या? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, घर में भूत है। हमें बचा लो सर। मैं किसी से भी नहीं डरता, ऑलरेडी ये सब मैं झेल चुका हूँ बहुत। अजीत कुमार, अब इस भूत को अपनी ताकत दिखाने का वक्त आ चुका है। कहाँ है वो भूत? उस दीवार में है क्या, या इस दीवार में है वो, या उस कमरे में है, या फिर छत के ऊपर है, या इस जमीन के अंदर से मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? अबे मनहूस चेहरे, फिल्म में हीरो को भूत से लड़ते हुए देखा है क्या? उनको भूत को खदेड़ते हुए देखा है क्या? भूत उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आते हैं। ये अजीत कुमार भी हीरो से कम नहीं है। कहाँ है वो भूत? सर, वो ऊपर है सर। आता हूँ मैं। यही है प्रॉब्लम, यही है, मेरे सामने आने का दम नहीं है। ये भूत तो पलंग पर रेस्ट कर रही है। दिखने में तो बेचारी बहुत मासूम लग रही है। एक्सक्यूज मी, सुनिए जरा, छूंगा, उठाकर ले जाऊंगा। क्या करोगी? क्या करोगी? अरे बाप रे, अरे
लगता है कराटे जानने वाली भूत थी, मेरे को मार मार के भूरता बना दिया। अरे बाप रे, उठ नहीं पा रहा हूँ। अगर मुझे कोई यहाँ गिरा हुआ देखकर इंस्पेक्टर के बजाय कहीं इस घर का वॉचमैन समझ बैठा तो ये। ये ले बेटा, इस लड़की की मौत बहुत ही दर्दनाक होनी चाहिए। इसकी जान निकलते हुए मुझे अपनी आंखों से देखना है। इसे तड़पा तड़पा कर मारो, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। मारो इसे। नहीं, छोड़ दो मुझे, नहीं। क्यों, मेरी मौत देखने का बहुत शौक है ना तुझे? मैंने कितनों की जान ली है और कितनों को छोड़ दिया है। अगर मैं क्रिमिनल हूं तो तुम मुझसे भी बड़ी क्रिमिनल है क्या? तू खुद गेम बनाकर मुझे मारना चाहती थी। तेरे उस फ्रेंड को मैंने ऐसे वैसे नहीं मारा था। वो पुनर्जन्म लेने के बाद भी मुझे याद करेगी। इतना मैंने उसे टॉर्चर कर करके मारा कि वो डर गई है। वैसा ही तुझे भी टॉर्चर करूंगा। डोंट वरी, वैसे तुझे इतनी जल्दी नहीं मारूंगा। राक्षस कैसा होता है, कैसे मारता है, वो सब तूने शास्त्रों में पढ़ा होगा। आज तू अपनी मौत अपनी आंखों से देखेगी। अब बस तू देखती रहे कि मैं तुझे तेरी आंखों के सामने कैसे मारता हूं। जब तुझे मारने वाला ही मैं हूं तो तुझे बचाने के लिए कौन आएगा देखता हूं। नहीं, नहीं।
न्याय नीति धर्म में आस्था रखने वाले इस गांव में एक लड़की के साथ अत्याचार हो रहा है और मैं चुप बैठूंगी क्या? जनता की रक्षा के लिए इसी स्थान पर सालों से जी रही हूँ। इस लड़की की कुंडली मेरी कुंडली से मिलती है और इसे मारने के लिए यही लेकर आए हो तुम लोग? क्या सोचा था तुम लोगों ने? तुम जैसे राक्षसों को ऐसी भयानक मौत दूंगी जिसके बारे में तुम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम जैसे राक्षस दोबारा जन्म नहीं लेंगे इस धरती पर। नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को, नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को। भागो, वरना ये हम सबको जान से मार देगी। भागो। Oh!
छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। लोगों की रक्षा करने के लिए अपनी जान देने वाली, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली, बाप बेटे को सजा दिलाकर उन्हें जेल भेजने वाली, अनाथ लोगों को इंसाफ दिलाने वाली वो महान लड़की आज हमारे बीच बैठी हुई है। अमृता ही संयुक्ता है। सारी तकलीफें उठा के इंसाफ के लिए अपनी जान देने वाली संयुक्ता के उद्देश्य को अमृता ने ही पूरा किया और आज हमारे राज्य सरकार ने अमृता को इस साल का बहादुरी पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। अमृता को संयुक्ता के रूप में देख के सभी को गर्व महसूस हो रहा है और अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अमृता को साहसी पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं। धन्यवाद। रूपिणी उग्र रूपिणी असुर संहारी काल भैरवी।